प्रदेश में चल रही नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा लगा दिया है। इसे काला कानून बताते हुए कर्मचारी अब सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं अगर बात करें साइबर सिटी गुरुग्राम की, तो यहां भी नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। इन कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान शहर के सिद्धेश्वर चौक को जाम कर दिया, जिससे कि यातायात ठप हो गया और गुरुग्राम सोना रोड पर कई किलोमीटर वाहनों की कतारें लग गईं। बता दें, गुरुग्राम में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के सहयोग से नगर निगम सफाई कर्मचारी और फायर विभाग के 1366 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इन कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने इनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया है, जिस कारण कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। आज की हड़ताल एक सफल हड़ताल रही है, कल भी सफल हड़ताल रही थी और आज कर्मचारी साथियों की तादाद बढ़ी है। तकरीबन 7,000 के आसपास कर्मचारी हैं जो है कि पूर्ण रूप से आज गुड़गांव में हड़ताल पर हैं। आज शहर की आप सफाई व्यवस्था को देखें, ऐसा देखने को मिल रहा है कि शहर में काफ़ी महीनों से काम नहीं हुआ है, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और हो सकता है कि अगर हरियाणा सरकार ने हमारी जो मांगे हैं उनको गंभीरता से नहीं लिया तो ये हड़ताल आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए अनिश्चितकालीन में तब्दील हो जाए। ऐसा सरकार ने लगा दिया है और हम उसकी घोर निंदा करते हुए आज हमने वो काला कानून, हमने रोड प्रदर्शन करते हुए उसको अपना सोना चौक सिद्धेश्वर स्कूल के वहाँ उसको हमने जलाया है और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, हरियाणा सरकार कोई सा भी कानून हमारे ऊपर थोप दे, हम कानूनों से नहीं डर रहे हैं। हम अब तभी उठेंगे जब हमारी मांगों का समाधान होगा, अन्यथा हम उठने वाले नहीं है। हड़ताल हमारी नगर पालिका कर्मचारी संघ आज नेतृत्व हमारी रोहतक के अंदर मीटिंग है, अगर जैसे भी नेतृत्व हमारा फैसला देगा हम बिल्कुल हड़ताल में, अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील होती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे पूरे भारत कर्मचारी हरियाणा। आपको बता दें कि कर्मचारी संघ की मांग है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने के साथ साथ कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, वहीं ठेका प्रथा को बंद करते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इन कर्मचारियों की तरफ से यह भी मांग की जा रही है कि फायर विभाग को नगर निगम में दोबारा शामिल किया जाए। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों द्वारा सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन दिखाई देगा। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।